तो हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में अब तक जो हमने देख लिया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स का चैप्टर देखा था, उसके अंदर जो है हमने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा, डीएनए ट्रांसक्राइब कैसे होता है, उसके बाद हमने ट्रांसलेशन देखी, फिर जेनेटिक कोड देखा, ये सारी चीजें। आज हम देखेंगे जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, आप सबसे पहले जो है जीन और क्रोमोसोम बचा हुआ है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप जनरली जीन को हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, जीन को हम जो है सिस्ट्रॉन के तौर पे जो है हम देखेंगे, किसके तौर पे? सिस्ट्रॉन के तौर पे। एक सिस्ट्रॉन एक ऐसा यूनिट होता है जेनेटिक मटेरियल के ऊपर जो किसके लिए कोड करता है, जो कोड करता है पॉलीपेप्टाइड के लिए। किसके लिए कोड करता है? पॉलीपेप्टाइड के लिए। ठीक है, तो जीन जो है मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है, मतलब जो है एक पॉलीपेप्टाइड उससे कोड होगी या मल्टीपल जो है पॉलीपेप्टाइड कोड होगी। अब हम देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन क्या है, जीन एक्सप्रेस कैसे करता है अपने आपको, और इसको अगर रेगुलेट करने वाला है तो कौन है। जीन एक्सप्रेशन सबसे पहले है क्या? जीन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग फीनोटिपिक इफेक्ट बाय जीन, फीनोटिपिक इफेक्ट बाय ए जीन। ठीक है, एक जीन जो है अगर किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है कोई फीनोटिपिक इफेक्ट काज करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ये फीनोटिपिक और जीनोटिपिक इफेक्ट क्या है, इसके लिए आपको फिर से वापस मेंडलिज्म में जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जनरली बता देता हूं आपको, जीनोटिपिक और फीनोटिपिक में क्या हो गया। जीनोटिपिक होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जीनोटिपिक। ठीक है, तो जीनोटिपिक जो है ये क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ गया? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि उसके अंदर किस टाइप के जीन्स हैं। समझ में आ रहा है? जैसे अगर क्रोमोसोम्स की हम बात करें, क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग में एक्स वाई होते हैं। ठीक है, तो ये अगर इसको कहेंगे, इसको भी हम जीनोटिपिक एक्सप्रेशन लेंगे। लेकिन अगर हम जीन लेवल पे जाएं, ठीक है, तो जैसे टाल और ग्रेट के लिए हमने टी और टी रखा था, छोटा टी टाल और डॉग के लिए, तो ये टाल के लिए जो ये था, ये क्या था? ये था जीनोटाइप। और ये टाल जो हम लिखते हैं या ड्वार्फ लिखते हैं, इसको कहते हैं फीनोटाइप। तो जब कोई फीनोटाइप जो होता है, कोई चीज लंबी है तो वो एक फीनोटाइप है, कोई चीज जो है सपोज कीजिए कोई कलर है उसका, तो वो एक फीनोटाइप है, कोई चीज का कोई जैसे विंग्स हैं बर्ड्स के ऊपर या अपने इंसेक्ट्स के ऊपर, तो वो क्या है? वो भी एक फीनोटाइप है। तो कौन से जीन्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो जीनोटाइप है। अब देखिए, जब एक जीन जो है फीनोटिपिक इफेक्ट काज करता है तो उसको क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन। अब जीन्स जो है दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक एक को कहते हैं हाउसकीपिंग जीन्स। हाउसकीपिंग जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो हर किसी सेल में जो है क्या शो करें? अपना इफेक्ट शो करें, मतलब वो एक्सप्रेस होते ही होते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। जैसे कि आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा 11th में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में आपने क्या देखा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम्स हैं और उनके लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल हैं, वो हर एक किसमें पाए जाते हैं? वो हर एक सेल में पाए जाते हैं, क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है। तो मैंने एक एग्जांपल दे दी आपको हाउसकीपिंग जीन की। दूसरे जो है रेगुलेटिंग जीन्स। ठीक है, ऐसे जीन्स जिनको हम रेगुलेट कर सकते हैं, जिनको मतलब जिनको या तो रोक दें हम वो प्रोसेस करने से, या तो जो है उनको फोर्स करें कि वो प्रोसेस करें। ठीक है, अब यहां पे जो है मैं बात कर रहा हूं, यहां पे या तो उनको हम इंड्यूस करेंगे, हम नहीं इंड्यूस करेंगे, मीन्स जो मॉलिक्यूल सेल्स में होंगे वो इंड्यूस करेंगे। तो यहां पे हो गया रेगुलेटिंग जीन्स और हाउसकीपिंग जीन्स, दो टाइप के होते हैं। हाउसकीपिंग जीन्स दोनों जो है हर सेल में जो है अपना फिनोटिपिक इफेक्ट शो करते हैं, जबकि ये जो रेगुलेटिंग जीन्स जो है, रेगुलेटिंग जीन हर सेल में नहीं करते। ठीक है, ये दो टाइप के हो सकते हैं। जब एक टाइप के जीन जो इनहिबिटर के तौर पे काम करते हैं, सपोज करो कोई अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, तो फिजियोलॉजी के अंदर जो है उसके लिए बहुत सारे जो है इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको बनाने के लिए वो सारे प्रोसेस जो है उसके लिए हमारे पास कैटलिस्ट चाहिए, जिनको हम प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, एंजाइम्स चाहिए। तो एंजाइम्स कौन बना, कहां से बनते हैं? पहले एमआरएनए से क्या बनाया था हमने? प्रोटीन्स बनाई थी।
ठीक है, कैसे बनाई थी, ट्रांसलेशन से, और वो ट्रांसलेशन से ही वो जो एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है, वो बाद में इन सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज होते हैं। अब देखो रेगुलेटिंग जीन्स जो है, मैंने आपको बताया कि रेगुलेटिंग जीन इनहिबिटर टाइप भी हो सकते हैं, किसी प्रोसेस को रोक दें जो, ठीक है, या इंड्यूसर टाइप भी हो सकते हैं जो किसी प्रोसेस को जो है क्या करें, इंड्यूस करें। ठीक है, समझ में आ गया, ये तो हो गया। अब ऑपेरॉन क्या है इसको देखते हैं, पहले जीन एक्सप्रेशन के बारे में था इतना सा। ऑपेरॉन सिस्टम जो है, ठीक है, जैकब और मोनेट दो साइंटिस्ट थे, जैकब एंड मोनेट, इन्होंने 1961 में एक जो है मॉडल प्रपोज किया, ठीक है, किसके लिए, जीन रेगुलेशन के लिए, जीन रेगुलेशन के लिए इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया। और जीन रेगुलेशन क्या होता है, जीन रेगुलेशन होता है द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग और इनहिबिटिंग फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ ए जीन। किसी भी जीन का जो है जो इफेक्ट है, फिनोटिपिक इफेक्ट है, उसको या तो इनहिबिट करना या तो उसको इंड्यूस करना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम जीन रेगुलेशन। जब भी कोई जीन का कोई इफेक्ट, हर एक जीन का कोई इफेक्ट होगा, ठीक है, तो उसको या तो रोक देना उस इफेक्ट को, या तो इंड्यूस करना कि वो और ज्यादा प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, जीन रेगुलेशन। अब जीन रेगुलेशन के लिए जैकब और मोनेट ने क्या काम किया, ऑपेरॉन सिस्टम को डेवलप किया। ऑपेरॉन सिस्टम क्या था, ऑपेरॉन सिस्टम में उन्होंने बताया कि यहां पर हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। तो ऑपेरॉन इज ए ग्रुप ऑफ एंजाइम्स विच फंक्शन कोऑर्डिनेटली, जो आपस में कोऑर्डिनेशन से फंक्शन करते हैं और जो है क्या करते हैं, एंड अफेक्ट जीन एक्सप्रेशन, अफेक्ट जीन एक्सप्रेशन। क्या हो गया, फिर ये ऑपेरॉन होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स हों, जिसमें बहुत सारे जीन्स हों, ठीक है, और वो जीन्स जो है क्या करें, कोऑर्डिनेटली फंक्शन करें और किसी जो है प्रोसेस को या इनहिबिट करें या इंड्यूस करें, ठीक है, मतलब जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस को या इनहिबिट करें या इंड्यूस करें, तो इसको क्या कहते हैं हम, ऑपेरॉन सिस्टम। देखिए अब ये तो हो गया साइंटिस्ट कौन थे, अब ऑपेरॉन सिस्टम में होता क्या क्या है वो बताएगा। ऑपेरॉन सिस्टम में चार टाइप के जीन्स होते हैं, कितने टाइप के जीन्स होते हैं, चार टाइप। पहला है स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या जीन्स होते हैं, ऐसे जीन्स जो एमआरएनए के जो है एमआरएनए ट्रांसक्राइब करें, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइबिंग एमआरएनए। स्ट्रक्चरल जीन एक ऐसा जीन होता है जो एमआरएनए में ट्रांसक्राइब, जो एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है, एक हो गया ट्रांसक्रिप्शन तो पता है ना, ये हो गया। इसके बाद दूसरा है हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन में, देखो जैसे करके हम एक बात कर लेते हैं, ठीक है, लैक ऑपेरॉन में हम आगे बात करेंगे, स्ट्रक्चर जीन फिलहाल इतना याद रखो कि जो एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करे उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर जीन। दूसरा होता है रेगुलेटर जीन, ठीक है, रेगुलेटर जीन एक ऐसा जीन होता है जो ऐसा बायोकेमिकल प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, बायोकेमिकल जो क्या काम करे, जो या तो इनहिबिट करे, ठीक है, इनहिबिट करे किसी फिजियोलॉजिकल पाथवे को, या तो जो है इंड्यूस करे, कौन होता है, रेगुलेटर। दूसरा होता है ऑपरेटर, फिर क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर एक नेक्स्ट जीन होता है, वो क्या काम करता है, रेगुलेटर उसको जो है अपने जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो बायोकेमिकल उससे रेगुलेट करता है। ऑपरेटर का क्या काम होता है, ऑपरेटर का काम होता है प्रोसेस को शुरू करना या बंद करना, ठीक है, और यहां पर प्रमोटर है, प्रमोटर के साथ जो है आरएनए अटैच होता है, प्रमोटर के साथ जो है क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। मैं इस सब को आपको जो है स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर, ऑपरेटर और प्रमोटर समझ आ गई, इसकी एक एग्जांपल सिंपली देता हूं। आप ले लो एक्सकेवेटर, तो देखा आपने जो रोड्स बनाने के काम में आता है, ठीक है, उसके अंदर एक ड्राइवर है, ठीक है, एक आप जैसे करके हम कोई काम कोई पकड़ता है अगर रोड बनाने का, तो वहां पे जो है एक तो क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारे पास ठेकेदार, फिर होता है मुंशी, ठीक है,
फिर होता है जो मशीन से काम करता है रोड बनाने के लिए, ठीक है, ठेकेदार मुंशी को काम देता है, भाई आप काम करवाओ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सकेवेटर है, एक्सकेवेटर के अंदर ड्राइवर है। अब एक्सकेवेटर जो है रोड बनाने का काम करेगा, तो एक्सकेवेटर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्सकेवेटर है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है हमारे पास, एक्सकेवेटर। अब उसको चलाने वाला कौन है, ऑपरेटर। लेकिन ऑपरेटर तब तक नहीं चलाएगा जब तक हमारे पास जो है रेगुलेटर उसको वो नहीं देगा, ठीक है। ऑपरेटर उस मशीन को तब तक नहीं चलाएगा जब तक रेगुलेटर यानी मुंशी उसको बताएगा नहीं कि यहां से ये रोड बनानी है ऐसे, ठीक है। ऑपरेटर का काम है सिर्फ मशीन को चलाना, तो ऑपरेटर कौन है यहां पे, ठीक है, ऑपरेटर जी, समझ में आ गया। और जिसको ओजीन से, यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, देखो ओजीन से मैंने रिप्रेजेंट किया इसको ऑपरेटर में। ये ऑपरेटर तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसको जो है रेगुलेटर नहीं बोलेगा। रेगुलेटर कौन है उसका, मुंशी। मुंशी अगर बोलेगा कि भाई रोड बनाओ तो बनाओ, रुक जाओ। तो ये रेगुलेटर जीन जो है बिल्कुल मुंशी का काम करता है इस ऑपरेटर के ऊपर। अगर ये इसको मना कर दे, मना कैसे करता है, ये कुछ केमिकल सीक्रेट करता है जो उसके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब जब अटैच हो जाएंगे तो फिर ये जो काम करना बंद कर देगा या काम करना शुरू कर देगा, दो टाइप के होता है। अब दूसरा ये हो गया काम, यहां से समझ आ गई। एक दूसरा तरीका बताता हूं, एक लॉक है और एक की है, ठीक है। की जो है वो ऑपरेटर है, की क्या है, ऑपरेटर। ये लॉक तब तक नहीं खुलेगा जब तक उसको की से नहीं खोलोगे आप, समझ में आ गया। अब इस की को चलाने वाला कोई इंसान तो होगा, वो रेगुलेटर है। वो क्या है, रेगुलेटर। की क्या है, की आ गया ऑपरेटर, समझ में आ गया। अब की के अंदर जो है ये लॉक तब खुलेगा, ठीक है, जब की अंदर से उस चीज को घुमाएगी। तो जैसे ऑपरेटर इसको घुमाएगा, मतलब ये की खोलने की कोशिश करेगी, तो प्रमोटर जीन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, प्रमोटर जीन के साथ आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा। और आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है, आरएनए बनाना, समझ गए आप यहां पर। तो ये यहां पर दो मॉडल्स मैंने बनाए थे जो आपको समझने में हेल्प करेंगे। अब देखिए हमारे पास है लैक ओपेरॉन, क्या है, लैक ओपेरॉन। अब ये लैक ओपेरॉन है क्या, लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज, ठीक है, और ओपेरॉन मैंने आपको बता दिया कि ओपेरॉन क्या होता है, ग्रुप ऑफ जीन्स दैट फंक्शन कोऑर्डिनेटली, जो कोऑर्डिनेटली फंक्शन करते हैं, ठीक है, टू परफॉर्म, ठीक है, द फंक्शन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन को करने के लिए क्या होता है, हमारे पास ग्रुप ऑफ जीन्स होता है जो साथ में काम करता है, ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर, ऑपरेटर और प्रमोटर, ठीक है। ताले चाबी की एग्जांपल देता हूं, चाबी, ताला तब तक नहीं खुलेगा जब तक चाबी नहीं है, तो ऑपरेटर है क्या, चाबी। अब उस चाबी को चलाने वाला तो कोई है, इंसान है, ठीक है, वो क्या है, रेगुलेटर, रेगुलेट कर रहा है उसको। और फिर है प्रमोटर, जैसे चाबी अंदर घुसी उसके अंदर जो है खोल, उसको खुला, जो लॉक खोलने की कोशिश की और लॉक से जो है लीवर्स जो है लॉक के वो अनवाइंड हुए, तो यहां पे वो अंदर प्रमोटर जो है, ठीक है, वो प्रमोटर क्या है, वो लीवर्स है, ठीक है, जो खोलने का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये हो गया यहां पे। अब लैक ओपेरॉन का यहां पे मॉडल बनाया हुआ है मैंने, सेम ओपेरॉन को आपको पता है तो लैक ओपेरॉन में भी ये होगा। यहां पे हमारे पास क्या है, रेगुलेटर जीन है, आई जिसको कहते हैं हम, ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास प्रमोटर है, पी जिसको कहते हैं हम, और ये ऑपरेटर, और ये हमारे पास जेड, ये स्ट्रक्चरल जीन, क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। अब देखो लैक ओपेरॉन क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि लैक्टोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई के अंदर जो है, ये किसने, जैकब और मोनेट, मैंने अभी बताया, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने क्या बताया कि जब लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस होनी होती है कहां, सेल के अंदर, तो सेल के अंदर लैक्टोज से क्या बनता है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ये दो चीजें बनेगी, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। अब ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज बनाने के लिए डायरेक्ट नहीं बनता है, ये तब तक नहीं बनता जब तक ये जो है स्ट्रक्चर जीन एक्टिवेट ना हो, ये पूरा लैक ओपेरॉन सिस्टम एक्टिवेट, ठीक है। होता क्या है, जनरली ये जो रेगुलेटर है ये कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है, जो इस ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, क्या,
कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करता है, कुछ ऐसे के बायोकेमिकल्स या जो है आरएनए, आरएनए सिक्रीट करता है, ठीक है, आरएनए जो है वो सिक्रीट करेगा, वो जाके इधर बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर के ऊपर, और जब तक ये बाइंड रहता है तब तक जो है ये प्रमोटर जो है डीएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच नहीं होता है, उसको डीएनए पॉलीमरेज को रोक के रखता है, वो जो है वो क्या काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज जो है फर्दर बेसिस ऐड नहीं कर पा। समझ आ गया यहां तक? अब इन केस अगर सपोज करो, इन केस अगर जो है इंड्यूसर को कोई दूसरा रोकने वाला हो, तो यहां पे इसको रोकने वाला कौन होता है, यहां पे इसको खुद रोकने वाला कौन होता है, लैक्टोज, ठीक है, कौन होता है, जब लैक्टोज इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है, जब इसके साथ जुड़ जाता है लैक्टोज, तो क्या होता है, अब लैक्टोज इसके साथ जुड़ गया तो ये की जो है इसके इसके पास नहीं पहुंचती, ठीक है, तो ये इनहिबिटर जो है, इनहिबिटर वाला वो था, वो इधर नहीं पहुंचेगा, तो यहां पे ये ओपन रहता है, जब ये ओपन रहेगा तो प्रोमोटर जीन जो है वो एलो कर देगा किसको, एमआरएनए को, कि वो ट्रांसक्राइब करे। अब ये तीन चीजें हैं यहां पर, अब स्ट्रक्चरल जीन है जो लैकोपीरोन में है, वो स्ट्रक्चरल जीन जीन तीन जीन से बना है, कितने जीन से, थ्री जीन्स, पहला जीन है जेड जीन, ठीक है, जेड जीन किसके लिए काम करता है, जेड जीन एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, अब ये बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है, ठीक है, जेड जीन से बनता है, और ये क्या काम करता है, ये ही लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में कन्वर्ट करता है, कौन करता है लैक्टोज को, हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में होती है, बीटा गैलेक्टोसिडेज की प्रेजेंस में। दूसरा है वाई जीन, दूसरा क्या है हमारे पास, वाई जीन, और वाई जीन का क्या काम है, वाई जीन परमिएस जो है, परमिएस एक एंजाइम होता है, ठीक है, वो उसकी वजह से बनता है, किसकी वजह से, वाई जीन की वजह से। और सेल अगर सपोज करो बैक्टीरिया किसी गैलेक्टोज वाले मीडियम में होंगे, वो गैलेक्टोज तब तक एंटर नहीं होगा जब तक कि परमिएस नहीं होगा सेल के अंदर, अगर परमिएस होगा तब ही गैलेक्टोज जो है सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, ये हो गया तीसरा। और तीसरा जो है, तीसरा जो ए जीन जो है, ये है पेप्टिडाइल ट्रांसपरेस, ठीक है, तो तीसरा क्या है, पेप्टिडाइल ट्रांसपरेस, यहां पे मैंने ए जीन की बात करी, ए जीन में पेप्टिडाइल ट्रांसफर नहीं होता, सॉरी, ए जीन में जो है एसिटाइल ट्रांसफरेस, ठीक है, जेड जीन की बात करी थी मैंने, जेड जीन से क्या होता है, जेड जीन से जो है आपका होगा कौन सा ट्रांसफर, ये सॉरी कौन सा एंजाइम बनेगा, इससे बनेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है, फिर ये आ गया जेड जीन, वाई जीन से कौन सा बनेगा, परमिएस, परमिएस का क्या काम होता है, बीटा, पहले बीटा गैलेक्टोसिडेज का क्या काम होता है, ये गैलेक्टोज को ग्लूकोज, सॉरी गैलेक्टोज को नहीं, बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है गैलेक्टोज में प्लस जो है अपना ग्लूकोज, लैक्टोज को कन्वर्ट करता है गैलेक्टोज में प्लस ग्लूकोज में। अब परमिएस जो है परमिट करता है एंट्री किसकी, ये करता है परमिट एंट्री लैक्टोज की, ठीक है, और तीसरा जो है, तीसरा हमारे पास ए जो है, ठीक है, ए जो है हमारे पास इसका क्या काम होता है, एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर, एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर, ठीक है, तो ये आ गया पूरा। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जीन अपना फीनोटिपिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है, जीन क्या करता है, अपना फीनोटिपिक इफेक्ट शो करता है। अगर लेवल्स देखे जाएं ट्रांसक्रिप्शन के जो है जीन एक्सप्रेशन के, तो बहुत सारे लेवल्स पे जीन एक्सप्रेशन होती है, पहला जो है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब होती है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में सारे का सारा जो है नहीं ट्रांसक्राइब होता, डीआरएनए कुछ पार्ट ट्रांसक्राइब होते हैं। उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें जो है हमारे पास जो है ट्रांसक्रिप्शन जैसे हो गई,
ठीक है, तो मॉडिफिकेशन उसके बाद होती है, मॉडिफिकेशन उसमें जो है जीन एक्सप्रेशन जो रेगुलेट की जाती है। तो यहां पे इसमें क्या आता है, इसमें जो है स्प्लाइसिंग जो हमने देखा था, इंट्रॉन्स जो है रिमूव किए जाते हैं और एग्जॉन्स को जोड़ा जाता है, स्प्लाइसिंग, ठीक है। और तीसरा जो है हमारे पास जो है कि स्प्लाइसिंग हो गई, फिर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन जो है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में भी रेगुलेट होती है। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन होता है प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें या तो उस जीन की एक्टिविटी को इनहिबिट किया जाए या इंड्यूस किया जाए, ठीक है, वो हो गया। अब ओपेरॉन सिस्टम, जीन रेगुलेशन के लिए ओपेरॉन सिस्टम यूज किया जाता है। ओपेरॉन सिस्टम में बहुत सारे जो है जीन जो है इकट्ठा काम करते हैं, जिसमें आपका स्ट्रक्चरल जीन आ गया, रेगुलेटर जीन आ गया, ऑपरेटर जीन आ गया, ठीक है, और प्रोमोटर जीन आ गया, ठीक है, इनके बारे में बता दिया। फिर लैक ऑपेरॉन आ गया, लैक ऑपेरॉन में क्या होता है, एक रेगुलेटर होता है जो ऑपरेटर को, ऑपरेटर को जो है इनहिबिट करके रखता है, कि वो बीटा ये जो है इस अगले वाले स्ट्रक्चर जीन को जो है ट्रांसक्राइब होने से बचाए। जब ये स्ट्रक्चर जीन ट्रांसक्राइब हो जाता है तो अल्टीमेटली जो है गैलेक्टोज जो प्रेजेंट होता है वो ग्लूकोज प्लस, गैलेक्टोज नहीं सॉरी, लैक्टोज जो प्रेजेंट होता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो कौन करता है, वो करता है जेड एंजाइम। वाई एंजाइम का क्या काम है, उसका काम है ट्रांसफर, इसको कहते हैं परमिएस, जो परमिट करता है लैक्टोज की एंट्री सेल के अंदर, और लास्ट पे ए जो है ये एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रोमोसोम और जीन्स, और उसके साथ चैप्टर खत्म।